दोस्तों अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, कहीं दूर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपके फ़ोन का बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों कि भाई ट्रेन में बहुत ही जल्दी डाउन क्यों हो जाता है, इसके पीछे इसका क्या कारण है, तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है कि आप मेरे टेक्निकल मैदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएगी। तो देखिए होता क्या है कि जब आप कहीं मान लीजिए जैसे बिहार से आप बॉम्बे जा रहे हैं कहीं स्टेशन, ठीक है, दूर ट्रैवल करने की बात हो रही है यहाँ पे, मान लीजिए आप कहीं बिहार से दिल्ली जा रहे हैं या फिर दिल्ली से हैदराबाद जा रहे हैं, तो जो किलोमीटर का जो रेंज है उसकी बात नहीं कर रहा, बस दूर होना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क आता है वो नियरेस्ट नेटवर्क टावर से आता है, जो भी घर के 2-4 किलोमीटर के जो रेंज में जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क टावर होता है, वहाँ से नेटवर्क आता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखें अभी तक, तो जाके देखें इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क आता है वो नियरेस्ट नेटवर्क टावर से आता है, जो भी नज़दीक में जो नेटवर्क टावर होता है वहाँ से नेटवर्क आता है। तो होता क्या है कि जब आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, आप ट्रेन में बैठें, ठीक है, आप कॉलिंग पे हैं या फिर किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, तो नेटवर्क आपके फ़ोन में आ रहा है, ठीक, तो वो नियरेस्ट नेटवर्क टावर से आ रहा है। फिर आप जब ट्रेन खुली कहीं दूर गए तो बीच में जो नेटवर्क टावर होते हैं, जैसे एक दो स्टेशन के बाद एक नेटवर्क टावर तो होगा ही, ठीक ना, तो वो फिर वो दूसरे नेटवर्क टावर को कैच कर लेता है, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब मान लीजिए ना कि 2-4 किलोमीटर के रेंज में जो नेटवर्क टावर होता है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके फ़ोन में नेटवर्क अचानक से गायब हो जाता है। जब ट्रेन स्पीड में चल रही होती है तो नेटवर्क गायब हो जाता है, क्यों, क्योंकि नेटवर्क फाइंड कर रहा होता है फ़ोन हमारा, मतलब नेटवर्क सर्च कर रहा होता है, तो नेटवर्क तो बीच में रहता नहीं, इसलिए आता भी नहीं है फ़ोन में, और ट्रेन की रफ्तार भी स्पीड रहती है, इसी वजह से फ़ोन में भी नहीं रहता। तो जैसे ही वो दूसरे नेटवर्क के संपर्क में जाता है, नेटवर्क टावर के संपर्क में आ जाता है, फिर हमारे फ़ोन में फटाक से नेटवर्क आ जाता है, ठीक। तो इसी वजह से क्या है कि कॉलिंग करने में भी दिक्कत आती है ना, और इंटरनेट यूज़ करने में, तो कॉलिंग करने में भी बैटरी चला जाता है, और आप करें या ना करें बैटरी तो डाउन होगा ही, क्योंकि नेटवर्क जो है वो सर्च करने लग जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो और जल्दी मोबाइल के जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है, और हद तब हो जाती है जब आपके फ़ोन में GPS ऑन रहता है, फ़ोन में जो GPS का ऑप्शन है वो इनेबल रहता है तब। कई बार क्या होता है कि लोग किलोमीटर चेक करते हैं कि कितना दूरी है, कितना टाइम लगेगा, है ना, तो इसी वजह से GPS ऑन करते हैं, तो लोकेशन देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि GPS ऑन करना पड़ेगा, तो GPS से ज़्यादा बैटरी डाउन होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या है कि मैं लोकेशन चेक कर लेता हूँ, किलोमीटर चेक कर लेता हूँ, और टाइमिंग देख लेता हूँ, उसके बाद बुक्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ या फिर मूवी बहुत कम देखता हूँ, बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो क्या है कि हमारा जो सफ़र है, सफ़र के साथ साथ क्या होता है कि नॉलेज भी गेन हो जाता है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच भी जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है कि लोकेशन देखने के बाद GPS बंद कर देता हूँ, और कभी कभी जैसे ट्रेन में रहा तो फिर फ़ोन को फ्लाइट मोड में आधे आधे घंटे के लिए डाल देता हूँ, फिर बीच में चेक कर लेता हूँ कहीं किसी का कॉल तो नहीं आया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जब ट्रेन में हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क टावर से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन होता है, क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार होती है वो काफ़ी स्पीड होती है, जिसकी वजह से वो बार बार नेटवर्क जो है बदलते रहता है, इसी वजह से फ़ोन का बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन होता है। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ना हो कि ट्रेन में बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन क्यों हो जाता है, वो अभी भी कन्फ्यूज़न में हो, तो आप ये वीडियो शेयर करके उनका कन्फ्यूज़न दूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस टेक्निकल मैदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।